Welcome to 6 C++ programming tutorial. Today I want to talk about if statement. If statement basically way of decision making. अगर हमें कोई decision करना है simple तो हम if statement को use कर सकते हैं. If statement execute तब होती है अगर आपकी condition true हो. अगर आपकी condition false होगी तो execute नहीं होगी. तो basically if statement का syntax है, आपने type करना if, उसके बाद braces, उसके अंदर आपकी condition आएगी, उसके बाद आपने करली ब्रेसिस, ये इफ़ स्टेटमेंट की बॉडी है, इसके अंदर स्टेटमेंट आ जाएगी जो एग्जीक्यूट होनी है. तो अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. ये इफ़ की बॉडी है, वर्किंग जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो इसके अंदर लिखी जाएगी. तो हम सिंपल एक कंडीशन टेस्ट करके देखते हैं. इफ़ 9 ग्रेटर दैन 7, Cout I am a programmer. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएगा I am a programmer, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू है, 9 7 से बड़ा है तो इसलिए उसने कंडीशन को एग्जीक्यूट करवा दिया. अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती तो ये एग्जीक्यूट ना करवाता. कंडीशन फॉल्स चेक करते हैं, इफ़ 9 लेस दैन 7, तो 9 लेस दैन 7 हो ही नहीं सकता, ये तो रॉन्ग है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, कोई हमें मैसेज शो नहीं हुआ. इसकी एक और कंडीशन, अगर हम ये ऑपरेटर चेंज कर दें, हम 9 की जगह 7 कर देते हैं और यहाँ लेस दैन की साथ हम एक कंडीशन करते हैं इक्वल टू का. अगर 7 लेस दैन और इक्वल टू 7 है, मतलब अगर वो छोटा नहीं है लेकिन उस नंबर के इक्वल है, तो फिर भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए और ये एग्जीक्यूट होगी. देखें एग्जीक्यूट हो गया, आई एम अ प्रोग्रामर. और अगर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं 9 और यहाँ पे हम ग्रेटर देन कर देते हैं, अगर ग्रेटर है फिर भी एग्जीक्यूट हो, और अगर दूसरी वैल्यू के इक्वल है फिर भी एग्जीक्यूट हो, तो ये एग्जीक्यूट होगी और हमें मैसेज शो होगा आई एम अ प्रोग्रामर. बेसिकली इन ऑपरेटर्स को रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं, इनकी भी आगे चल के बात होगी. तो इन्हें हम बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं. एक और ऑपरेटर मैं आपको बताता चलूँ, डबल इक्वल टू. डबल इक्वल टू, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे सिंगल इक्वल टू भी लिख सकते हैं जैसे हम पहले लिखते आए हैं इंट ए इक्वल टू 90, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है. इसका मतलब है कि हमने ए वेरिएबल को 90 वैल्यू असाइन कर दिया, लेकिन इसका मतलब है कि उसने इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, 7 और 9 को. अगर वो इक्वल होंगी तो फिर वो मैसेज ये शो करवाएगा, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो मैसेज शो नहीं करवाएगा. आप देख सकते हैं, मैं इसे एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ. अब 9 7 के इक्वल नहीं है तो हमें कोई मैसेज शो नहीं करवाया. अगर मैं 7 की जगह 9 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मैसेज शो हो गया. तो बेसिकली इसका काम ये है कि इसने दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, अगर वो इक्वल है तो उसने मैसेज हमें शो करवा दिया, वो इक्वल नहीं थी उसने हमें मैसेज शो नहीं करवाया. तो एक सिंपल टेस्ट करके देखते हैं. दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ए इज इक्वल टू 26 और बी इज इक्वल टू 18. कंडीशन हम लिखते हैं, अगर ए ग्रेटर दैन बी है तो हमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा दें. तो इसको रन करके देखते हैं. तो ए ग्रेटर दैन बी है, 26 है और बी 18 है, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू थी तो उसने हमें रिज़ल्ट शो करवा दिया. तो बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट यूज़ होती है डिसीजन मेकिंग के लिए. अगर हमें कोई डिसीजन करना है तो आप इस स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं. तो ये आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. मैं थोड़ा सा रीकैप आपको फिर बता देता हूँ कि बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट यूज़ फॉर डिसीजन मेकिंग. इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन द स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूट, अदरवाइज स्टेटमेंट इज़ नॉट एग्जीक्यूट. सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. होप यू सी इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल. अल्लाह हाफिज़.